खरगोन से बड़ी खबर, जहां पर ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा है और चुनाव में वोट न देने की धमकी दी है। लोगों ने मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा है। कलेक्टर कार्यालय जाकर इन लोगों ने अपना ज्ञापन दिया है। भगवानपुरा विधानसभा का यह पूरा मामला है, जहां पर इन्होंने चुनाव बहिष्कार करने की धमकी दी है और कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। भगवानपुरा के ये लोग रहने वाले हैं और काफ़ी नाराज़ हैं। अपने क्षेत्र के विकास को लेकर, मूलभूत समस्याओं को लेकर काफ़ी नाराज़गी है और इसी बात को लेकर ये लोग कलेक्ट्रेट पहुंचे और वहां पर कलेक्टर के नाम, मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर के जरिए एक ज्ञापन दिया गया है। पुल नहीं, सड़क नहीं, इन तमाम चीज़ों को लेकर उन्होंने कहा कि अगर ये बुनियादी सुविधाएँ भी अगर हमको नहीं मिलती है तो हम लोग वोट नहीं देंगे, किसी सांसद को अपने गाँव में घुसने तक नहीं देंगे। ये पोस्टर बैनर लेकर ये लोग पहुंचे थे और काफ़ी नाराज़गी, उन्होंने कहा कि बेसिक सी जो बुनियादी सुविधाएं, पुल सड़क नहीं बनवाई तो विधायक और सांसद को अपने गांव में वोट मांगने के लिए घुसने नहीं देंगे और चुनाव बहिष्कार तक की धमकी दे दी है कि उन्हें वो वोट नहीं देंगे और अपने गांव में किसी भी जो नेता को अंदर नहीं आने देंगे। और सुरेंद्र सिंह हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुरेंद्र, यहाँ पर काफी नाराजगी है, कह रहे हैं कि भाई हम अपने गांव में किसी नेता को घुसने नहीं देंगे, क्या नाराजगी है इन लोगों की? जी अंजलि, मैं बता दूं कि ये आजादी के बाद से ही इन लोगों का जो है निवास है। लगभग ये चार गांव के लोग हैं जो मूलभूत सुविधाओं से कोसों दूर है, चाहे वो कांग्रेस की सरकार रही हो, चाहे भाजपा की सरकार रही हो, सभी ने मिलकर इनका शोषण किया, सिर्फ इनके नाम पर वोट तो लिया लेकिन इनके गाँव का आज तक विकास जो है वो अधूरा है। न वहाँ सड़क है, न पुल है। इसी को लेकर चार गांव के लोगों की नाराजगी थी और उनका कहना साफ है कि यदि हमारे गांव में रोड और पुल नहीं बनता है तो हम किसी भी राजनीतिक दल को जो है वोट नहीं देंगे, चुनाव का बहिष्कार करेंगे। और सुरेंद्र, हम देख रहे हैं जो ये पोस्टर बैनर दिखा रहे, उसमें कहा गया है कि पुल नहीं, सड़क नहीं, किसी भी सांसद विधायक को हम गाँव में घुसने नहीं देंगे। कई गांव का नाम इसमें आ रहा है, गोपालपुरा, नीम घाटी और भी कई गांव का नाम उसमें नीचे लिखा हुआ है, तो क्या ये कई गांव के लोग वहां पर सम्मिलित रूप से विरोध करने गए थे? जी बिल्कुल, जिला मुख्यालय पर लगभग ये सारे चारों गांव के लोग मिलकर जिला मुख्यालय पर आकर कलेक्टर को जो है मुख्यमंत्री के नाम उन्होंने ज्ञापन सौंपा और ज्ञापन में उन्होंने बिल्कुल खुला विरोध जताया है और नारेबाजी भी उन्होंने जमकर की थी। यदि हमारे यहाँ मूलभूत सुविधा अगर सरकार नहीं करती है, चाहे वो कांग्रेस का विधायक हो चाहे भाजपा का हो, जो भी आने वाले होगा वो हमारा विकास करे, विकास नहीं करेगा तो हम लोग जो है आने वाले चुनाव में इसका बहिष्कार करेंगे और हमारे से वोट मांगने के लिए कोई नहीं आए और आएगा तो फिर अगर हमारे गांव में उनके साथ अगर कुछ घटना घटित होती है तो उसका जिम्मेदार वो। लेकिन सुरेंद्र, जो हम तस्वीरें देख रहे हैं, जो हम बैनर देख रहे हैं, उस पर ये मूलभूत सुविधाओं की मांग कर रहे हैं। अभी हम मुख्यमंत्री को सुन रहे हैं, जहां जहां वो जा रहे हैं जन आशीर्वाद यात्रा में, वो कह रहे हैं भाई हमको बीमारू राज मिला था, हमने उसको विकसित राज बना दिया। अगर विकसित राज्य में सड़क और पुल, पानी से बुनियादी सुविधा नहीं है तो ये कैसा विकसित राज्य है ये? जी बिल्कुल, ये जी अंजलि मैं बताना चाहूंगा कि शायद यदि मैं सही सन 2006 या 7 में मुख्यमंत्री जनदर्शन यात्रा के दौरान आए थे, यहाँ के ग्रामीणों ने उन्हें ज्ञापन भी सौंपा था। उसके बाद लगातार जितने सांसद विधायक बने उन्होंने सभी को ज्ञापन दिया है लेकिन आज तक किसी भी पार्टी के नेता ने उनकी सुनवाई नहीं की है।